मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरिः। नए वर्ष के मंगलमय पावन पर्व पर खुद को तलाशने के लिए और खुद को तराशने के लिए ये जो रिट्रीट है, ये जो शिविर है, मुझे लगता है कि इन दिवसों में खुद को देखेंगे, खुद से देखेंगे और खुद को तलाशेंगे, खुद को तराशेंगे। आइए नया वर्ष, नया हर्ष, नया उत्कर्ष, आशा और विश्वास का वर्ष हो ये नया वर्ष। नव वर्ष सभी के लिए जीवन में बहुत सारी खुशियां, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ये वर्ष सभी के लिए सौभाग्य, समृद्धि और शांति से युक्त हो। ये नया वर्ष एक नई चेतना, श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और उत्तम लक्ष्य के साथ समाधान भी लेकर आए और साधना भी लेकर आए, ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना है। प्रत्येक के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो कि मील का पत्थर साबित होता है, परंतु नया वर्ष वो समय है जो हर एक के जीवन में आता है। उस दिन यदि हम अपनी चेतना को संकल्प का आवरण देकर उसे पूर्ण करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो समझिए यह दिवस एक विशेष दिवस बन जाता है। संकल्प की दृढ़ इच्छा शक्ति हमें सेवा कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करती रहे। बिकॉज संकल्प इज द की, संकल्प इज द मास्टर की। ऋषियों ने कहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो, कल्याणकारी पथ पर चलने के संकल्प करने वाला हो। नववर्ष का ये विशेष दिवस वह एक विशेष अवसर हम सब में एक ऐसी चेतना जागृत करे, एक विचार, एक सोच जागृत करे तथा उस चेतना को संकल्प का स्वरूप हम दे सकें, उसका शुभारंभ करें, तभी इस दिवस की सार्थकता है। हमारी सोच ही हमारी सृष्टि है, हमारी सोच ही हमारा संसार है, हमारी सोच ही हमारा पूरा विस्तार है। संकल्प तो एक विचार रूपी छोटा सा बीज है। बट वृक्ष कितना विशाल होता है, परंतु उसका बीज कितना छोटा सा, कितना नन्ना सा होता है। और जब वो छोटा सा बीज धरती में जाकर खुद को अंधेरों में छुपा लेता है और उपजाऊ जमीन पाता है, तो वर्षा का जल उसको जब मिलता है तो अंकुरित होकर धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ वर्षों बाद एक विशाल बैनियन ट्री की तरह, वट वृक्ष की तरह बन जाता है। हमारे द्वारा लिया गया हर संकल्प हमारे असंख्य विचारों के मध्य एक छोटे से बीज के समान है, जो सही मार्गदर्शन और दिशा पाकर बड़ा होता है, जिससे न केवल हमारा जीवन बल्कि उस एक संकल्प के कारण अनेकों के जीवन में विलक्षण परिवर्तन हो सकता है। संकल्प हमारे मस्तिष्क में एक चेतना उत्पन्न करता है, जो कि मस्तिष्क की, ब्रेन की गहराई में जाकर परिवर्तन का मार्ग निर्मित करता है। वो संकल्प एक उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु यदि लिया जाए तो और भी बेहतर होगा। मेरा मानना है कि वर्ष 2021 में हम संकल्पों का समाधान इस रूप में हम आगे बढ़े और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि नए वर्ष पर लिया गया संकल्प वो स्वर्णिम, वो गोल्डन रूल है, वो स्वर्णिम नियम है जो हमें चेतना के प्रति संघर्ष करने हेतु प्रेरित करता रहता है। क्या हो हमारे संकल्प,
कैसे हो हमारे संकल्प, जितनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य हो वैसे ही हमारे संकल्प भी होने चाहिए। संकल्प स्वयं से वयम के लिए हो, स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए हो, स्वार्थ की यात्रा से परमार्थ की यात्रा पर चलने के लिए हो, अपने संकल्पों को मजबूत करने के लिए हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता और साहित्य से भी जुड़ना होगा, उसे जानना होगा। कितने अनमोल हीरे उसमें पड़े हुए हैं, एक हीरे की भी पहचान हो जाए ना, अपने भीतर छुपे हुए हीरे से परिचय हो जाएगा। हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा, उसके लिए वेदों, उपनिषदों, पुराणों को जानना होगा, उनसे जुड़ना होगा, उनको समझना होगा। शास्त्र हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, सबसे बड़ी धरोहर हैं हमारे देश की, हमारे जीवन की। हमारे पूर्वजों और हमारे ऋषियों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा परिश्रम किया है, बड़े शोध किए हैं। वो प्रतिशोध की यात्रा पर नहीं बल्कि शोध की यात्रा पर उतरे। आज यही तो भारत को करना है, एक दूसरे से प्रतिशोध नहीं, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन प्रतिशोध नहीं, श्रद्धा हो और शोध की यात्रा हो। और यही हमारे पूर्वजों ने किया, यही हमारे ऋषियों ने किया, और अपने आध्यात्मिक अनुसंधानों के, अपनी स्पिरिचुअल रिसर्च के अनुसार और उसके आधार पर योग, यज्ञ, ध्यान और अनेक परंपराओं का निर्माण किया उन्होंने। ऋषियों ने कई वर्षों एकांतवास में रहकर और प्रामाणिकता और अनुभवों के आधार पर जीवन मूल्यों का निर्माण किया। आप घर में बैठकर अगर इस साधना को कर रहे हैं या आश्रम में आकर, जहाँ भी आप हैं, मुख्य बात ये करें कि मेरे जीवन मूल्यों का निर्माण हो। और उन्होंने यही किया, जीवन मूल्यों का निर्माण किया और उन्हीं के प्रमाणिक अनुसंधानों और भारतीय संस्कृति साहित्य का जो प्रादुर्भाव हुआ ना, ये उन्हीं का प्रताप है। भारतीय साहित्य और संस्कृति से जुड़कर आज की युवा पीढ़ी अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है। भारतीय संस्कृति समर्पण की संस्कृति है, अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है, स्वयं को तलाशने और तराशने की संस्कृति है। स्वयं से वयम की यात्रा हो, जगत से जगदीश की यात्रा हो, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा हो तथा खुद से खुदा तक की यात्रा की संस्कृति है हमारी संस्कृति। ये साधना, सेवा और समर्पण तीनों पिलरों पर आधारित है। ये संस्कृति तीन बड़े मजबूत स्तंभ है। इन तीन स्तंभों के साथ हम अपने जीवन की यात्रा का आरंभ करें। ये खुद को तलाशने और तराशने के साथ साथ जीवन जर्नी और जीवन को भी बेहतर बना देगी। जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि धन, दौलत, प्रसिद्धि और लाभ कमाएं, बल्कि अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेनासिटी, उन संसाधनों का उपयोग पीड़ित मानवता के लिए करें। ये हो हमारा योगदान समाज के लिए। ऋषियों ने जो जीवन के तीन पिलर दिए हैं ना, उनमें प्रथम पिलर है साधना। साधना से तात्पर्य है माला या मंत्रों को केवल साधने से नहीं बल्कि स्वयं को साधना। किस तरह से, उसमें भी तीन तरीके बताएं, चित्त शुद्धि, वित्त शुद्धि और आहार शुद्धि। चित्त शुद्धि, वित्त शुद्धि और आहार शुद्धि, यही तो साधना है। चित्त शुद्ध होगा तो विचार और व्यवहार शुद्ध होगा, और दोनों ही शुद्ध और पवित्र होंगे तो जीवन बड़ा ही दिव्य बनेगा। वित्त शुद्धि से तात्पर्य भ्रष्टाचार से मुक्त एक कर्मठ समाज का निर्माण, तथा आहार शुद्धि भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए साधना माला के मनके को घुमाने का नाम नहीं है बल्कि मन का घुमाने की तैयारी हमें करनी होगी, ताकि मन हमारा हमारे अनुसार घूमे, ना कि हम मन के अनुसार घूमे और विचरण करते रहे। और यही सबसे बड़ी साधना है। दूसरा पिलर है, दूसरा स्तंभ है सेवा। मेरा सेवा कर्म ही मेरी पूजा बने, मेरा वर्क ही मेरी वर्शिप बने। कि वर्क इज वर्शिप इफ इज डेडिकेटेड टू गॉड, वही मेरी पूजा बने। हम अपने आप को ईश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल, एक यंत्र, निमित्त मात्र माने खुद को। निमित्त मात्रम भव सव्य साचन, प्रभु ने कहा है। निमित्त समझकर समाज की, राष्ट्र की सेवा करे तो उस सेवा में जो आनंद आएगा ना, जो शांति मिलेगी और जो प्रसन्नता मिलेगी,
उसका अनुभव ही अद्भुत है, अलौकिक है। फिर इतना ही नहीं, हम अपने वर्ग को, सेवा को भी इंजॉय करने लगेंगे, फिर थकावट नहीं होगी। इसलिए प्रभु ने गीता में कहा है, नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्थात वो कर्म करो जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसका फल नष्ट नहीं होता, जिसका फल मैं स्वयं अविनाशी परमात्मा हूँ, प्रभु खुद ही उसका फल है कि वे स्वयं प्राप्त हो जाए। इससे बड़ी और क्या चाहिए? ध्रुव के सामने प्रभु प्रकट हुए, बोले मांगो। बोले प्रभु अब क्या मांगना भाई, यही तो करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इस भाव से हम अपनी यात्रा, अपने कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तो कर्मणि। कितना प्यारा मंत्र है ये, बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है गीता जी का। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म करने मात्र में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तू फल की चिंता मत कर, फल तो पीछे पीछे आएगा, बल्कि तुम अपना कर्म करो। और कर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो कि मैं अब कर्म ही नहीं करूंगा, फिर कर्म ही क्यों करूं मैं। बोले ना, ऐसा करो कि जीवन कुंदन नहीं बन पाएगा, पारस नहीं बन पाएगा। वो तो तभी होगा जब अपने कर्म को निष्काम भाव से, फलाशक्ति से रहित होकर करते रहे, बात बन जाएगी। फिर दृष्टि भी प्रभु की और सृष्टि भी प्रभु की, इस भाव से हम लोग अपने जीवन को चलाएं। और तीसरा पिलर है फिर समर्पण का। मैंने कहा ना अभी, अपनी संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है, मतलब शरणागत भाव। प्रभु मेरा हर कर्म, मेरी हर श्वास तेरी श्वास बने, जो कुछ है बस तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। यही समर्पण भाव चाहिए कि यत करोषि यदश्नासी यश जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर्म करो, जो कुछ भी ग्रहण करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान करते हो, तप करते हो, स्वाध्याय करते हो, जो भी करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। झंझटी खत्म, मुझे अर्पण करो। और आइए नव वर्ष के इस अवसर पर ये साधना, ये सेवा और ये समर्पण, ये तीन जो पिलर है ना, इनसे अपनी यात्रा शुरू करें और देखें जीवन में कैसा विलक्षण परिवर्तन आएगा। और आज भारतीय समाज को बहुत ही जरूरत है साधना की, सेवा की और समर्पण के इन सूत्रों की, इन्हें आत्मसात करने की, तथा अपनी प्राचीन गौरवशाली तथा सांस्कृतिक धरोहर को आत्मसात करने की। जब हमारी नींव मजबूत होगी, और वो तभी होगी जब नए मूल्यों और नई संस्कृति को हम विकसित करेंगे अपने जीवन में, प्राचीन मूल्यों के साथ अपने जीवन को संवारें, और आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता के मंत्र से सार्वभौमिक एकता, शांति का निर्माण करने वाली संस्कृति को हम अपने जीवन में जिए, आप पक्का माने आपका जीवन भी दिव्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, और आप अपने जीवन में एक नया परिवर्तन पाएंगे। और इन तीनों संकल्पों को अपने जीवन का आधार बनाएं, यात्रा में अपना पाथेय बनाएं, तो केवल ये कुछ दिन की साधना यात्रा नहीं, बल्कि जीवन यात्रा भी धन्य हो जाएगी। आइए इन्हीं संकल्पों के साथ, इन तीनों पिलरों के साथ, तीन स्तंभों के साथ आइए अपनी यात्रा शुरू करें। ओम शांति शांति शांति।